बेंगलोर का टेस्ट मैच जब हम जीते, जब हम होटल जा रहे थे, गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ था, तो प्रेशर तो होता है। अफरीदी के बारे में आप जितना कम बात करें उतना बेहतर है, क्योंकि ना तो वो कागज पे बड़े हुए और ना ही वो दिमाग से बड़े हुए। इतना प्यार मुझे इंडिया में मिलता है ना, इतना प्यार मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलता। और आप यही शायद अफरीदी कह रहा है कि इंडिया में हमारे ऊपर पथराव किया गया था। पट्टी किस्म के लोग हो आप लोग। आप अफरीदी हो गए, बाकी ऐसे खिलाड़ी हो गए जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही वैसे। आगे वर्ल्ड कप का मैच है अहमदाबाद में, तो आप देखेंगे 1,32,000 में से जो है वो लाख से ज्यादा तो इंडिया के फैंस होंगे, और यही प्रेशर होता है जो है वो इंडिया में जाके खेलने का। सही बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं रजाक भी यहाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है, आई थिंक वो भी एक बहुत प्रेशर का टाइम था हमारे ऊपर कि हम छक्के चौके मारते थे तो कोई ताली भी नहीं बजाता था, और कुछ आज जगहों पे तो ऐसा हुआ कि हम रजाक को याद होगा बेंगलोर का टेस्ट मैच जब हम जीते, जब हम होटल जा रहे थे, गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ था, तो प्रेशर तो होता है। अरे कहना क्या चाहते हो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अफरीदी के बारे में आप जितना कम बात करें उतना बेहतर है, क्योंकि मैंने पहले भी बात बोली है कि ना तो वो कागज पे बड़े हुए और ना ही वो दिमाग से बड़े हुए। बट ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो इंडिया आए थे वर्ल्ड T20 के दौरान, मुझे याद है, और कोलकाता जाके उन्होंने कहा था कि इतना प्यार हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता जितना इंडिया में मिलता है। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो ये कह गए, लेकिन वहाँ पर जाकर कई ऐसे भी उनके बयान हैं जो मुझे लगता है कि शायद एक खिलाड़ी को शोभा नहीं देते। जी बिल्कुल, जब वो यहाँ पर आते हैं तो मुझे याद है उन्होंने 2011 में भी कोई ऐसी चीज़ बोली थी कि कश्मीरियों के लिए कुछ बोला था फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली फिर उसके बाद आपने जैसे बोला कि वो भी बयान दिया, जब ये इंडिया आते हैं तो ये ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं जब अपने देश में वापस जाते हैं तो एंटी इंडिया बातें करते हैं, तो इससे उनका मैच्योरिटी लेवल भी पता चलता है, क्योंकि आपका स्टैंड हमेशा एक रहना चाहिए। जितना आपका स्टैंड एक रहेगा उतना बेहतर रहेगा, उतना ही आपका माइंडसेट भी नॉर्मल रहेगा। बिकॉज शाहिद अफरीदी इवन खेलते थे, मुझे लगता है कि आपको तो याद ही होगा कि उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि खाने की चीज़ सेब होती है गेंद नहीं, तो उनको लाल सेब में और गेंद में कोई फर्क नहीं पता, तो उनकी मैच्योरिटी आप क्या बात करेंगे उनके बारे में। क्या बात, ये बात है, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। शायद अफरीदी ने आज से कुछ 4-5 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जितना प्यार मुझे इंडिया में मिलता है ना उतना प्यार मुझे कभी पाकिस्तान में नहीं मिला। आप सब ने भी ये स्टेटमेंट शायद अफरीदी का ये वीडियो भी देखी होगी और ये सुना भी होगा कि शायद अफरीदी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जितना प्यार मुझे इंडिया में मिलता है ना इतना प्यार मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलता। और आप यही शायद अफरीदी कह रहा है कि इंडिया में हमारे ऊपर पथराव किया गया था, वो ये करता है वो करता है, मतलब अजीब पट्टी किस्म के लोग हो आप लोग। सेंस ही नहीं है आप लोगों में बात करने की, प्रोफेशनल होने का मुजाहरा करना चाहिए आप लोगों को। प्रोफेशनल लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी किसी इंडियन को सुना है किसी चैनल के ऊपर बैठ के जी पाकिस्तान में हमें बोतलों के ढक्कन पड़े हैं, या मतलब अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहे हो। शायद अफरीदी भी दोगला ना बात कभी कोई कर देगा कि जी हमें इंडिया में प्यार मिलता है, कभी क्या देगा जी हमें फिर बोतलों के ढक्कन पड़ते हैं या हमें पथराव होता है हमें ये होता है वो होता है। तो ये मैच्योरिटी का लेवल है क्या, मैच्योरिटी का लेवल है वही होगा ना कि जब आप रिटायरमेंट लेके दोबारा वापस ले लेते थे। गजब बेइज्जती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब आप जो आप इंडिया में जाएंगे होस्ट इंडिया होगा तो होम एडवांटेज क्या होता है, यही होता है कि आपके फैंस आपको सपोर्ट करते हैं, दूसरी टीम का कोई सपोर्टर नहीं होता। अब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो हालांकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के फैंस ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी इंडिया के फैंस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में क्रेज़ पाया जाता है क्रिकेट का और आबादी इंडिया की कितनी आपको मालूम है, तो वहाँ पर भी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई नहीं बजा रहा होता, तालियाँ इंडिया के लिए बजा रहा होता, तो ये तो इंडिया है भाई। अब आगे वर्ल्ड कप का मैच है अहमदाबाद में, तो आप देखेंगे 1,32,000 में से जो है वो लाख से ज़्यादा तो इंडिया के फैंस होंगे, और यही प्रेशर होता है जो है वो इंडिया में जाके खेलने का। ले ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है।